जी आप सभी को नमस्कार मित्रों। आज 1 मई है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आज फेसबुक पर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पर कई लेखकों कलाकारों ने इस दिवस पर अपने अपने ढंग से राय दी, चुटकियां ली और कुछ ऐसे प्रसंग भी साझा किए, जाहिर है कि जिनसे हम सभी प्रभावित रहते हैं। लेखक कलम के मजदूर भी हैं, सिपाही भी हैं, और जिस तरह से अपने जुनून को लेकर यह मंडली, चाहे वह लेखकों की हो, कलाकारों की हो, निरंतर अपने आप को निष्प्रिय भाव से अभिव्यक्त कर रही होती है, हम सभी इससे अवगत हैं। कई बार उसके इस श्रम के एवज में जिस तरह की मानदेय की बात की जाती है, और खास तौर से हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों के संदर्भ में, वह सचमुच उचित नहीं है, सचमुच सुखद नहीं है, कहीं से भी नहीं। अलग अलग पीढ़ियों के लेखकों की कमोबेश यही राय है, इस पर कई तरह के विवाद भी होते रहे हैं। खैर, यह एक अलग प्रसंग है। आज हम लोग मित्रों जय स्वामीनाथन जी पर एकाग्र की 7वीं कड़ी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इसमें हमारे साथ लेखक संपादक उदयन वाजपेयी जी आ रहे हैं। वे जिस तरह से जय स्वामीनाथन जी के साथ गहरे जुड़े रहे हैं, हम सभी इसे जानते हैं, मगर इतना कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा। वे स्वामी जी को अपना गुरु मानते हैं, एक ऐसा गुरु जिसकी अनुपस्थिति को वे कहीं से भी जिसकी अनुपस्थिति को लेकर वे कहीं से भी मुतमईन नहीं हैं। वे उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगाना पसंद नहीं करते। काफी पहले स्पीक मैके के एक कार्यक्रम में भी यह बात उन्होंने कही थी, जो बाद में एक पत्रिका में और पुस्तक में भी छपी, वह पूरा वक्तव्य उनका। बतौर संपादक समास में जिस तरह से जय स्वामीनाथन जी पर अलग अलग समय में सामग्री आती रही, उसका भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। तो कहने का अर्थ यह कि यह सिर्फ इतना नहीं कि वे किसी शख्सियत को सम्मान की निगाह से देख भर रहे हों, जितना संभव होता है वे उस यात्रा के साथ हो लेते हैं, उनके चित्रों पर बात करते हैं, और अलग अलग संदर्भों में यूरोपीय भारतीय चित्र कला के जो अलग अलग जो प्रस्थान बिंदु हैं, उसके संदर्भ में वे जय स्वामीनाथन के चित्रों को रखकर देखते हैं। अपने दूसरे कविता संग्रह पागल गणितज्ञ की कविताएं, जो वर्ष 2005 में प्रकाशित हुआ, उसमें भी यह किताब, अपना यह संग्रह वे स्वामीनाथन और कुछ अन्य गुरुओं को समर्पित करते हैं। मतलब यह कि उनकी स्मृति में, उनकी चेतना में जय स्वामीनाथन हमेशा उपस्थित हैं, गहरे उपस्थित हैं। जाने माने इतिहासकार और मानव विज्ञानी सुरेश शर्मा जी से जो सुदीर्घ बातचीत हुई, जो समास में ही छपी और अब राजकमल से वह पुस्तकाकार आ चुकी है वह पुस्तक, उसमें भी जय स्वामीनाथन जी को लेकर, उनकी कला दृष्टि को लेकर कई महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं वे हमें पढ़ने को मिलते हैं सुरेश शर्मा जी और उदयन वाजपेयी जी के इस संवाद में। यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण काम है। समास के हर अंक में या ज्यादातर अंकों में इस तरह की सामग्री हमें मिलती है, जो हमें कहीं ना कहीं से उद्वेलित करती है, हमारी बौद्धिक खुराक को कुछ और अधिक बढ़ाती ही है। तो आइए हम ज्यादा कुछ न कहते हुए सीधे उदयन जी के पास ही चलते हैं और उनसे उनका वक्तव्य सुनते हैं। जी उदयन वाजपेयी जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार अच्छा लग रहा है कि जगदीश जी। आज आप हमारे बीच हैं और जय स्वामीनाथन जी पर हम लोग अधिक से अधिक आपको सुनना चाहते हैं, आदरणीय उदयन वाजपेयी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सबसे पहले मैं शुरू इस बात से करूंगा कि पिछले लगभग 25 साल से कला जगत एक बहुत ही बड़े मूल्य संकट से गुजर रहा है, और इसका अर्थ यह है कि अब दुनिया भर की कलाओं के पास ऐसे कोई मूल्य बाकी नहीं है जिनसे कलाओं को आंका जा सके, बल्कि यहां तक है कि आप किस चीज को कला कहेंगे इस पर भी कोई मतैक्य नहीं है। आमतौर पर ऐसे मत विभिन्न कला के इतिहास में होते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पहली बार है जब आप पा रहे हैं, हम सब पा रहे हैं कि कलाओं के की दुनिया में जो मूल्यों का लगभग विलोपन हो गया है, या कह लीजिए ऐसे ऐसे मूल्य आ गए हैं कि जो कभी कला को समझने, उसको परिभाषित करने, उसको परिसीमित करने नहीं थे। उदाहरण के लिए एक कलाकार ऐसे भी हुए जिन्होंने एक आर्ट गैलरी में एक कुत्ता बांध दिया, और वो कुत्ता जब तक भोंकता रहा, भोंकते भोंकते मर न गया तब तक उसमें बंधा, और ये एक परफॉर्मेंस कला की तरह कहा गया। एक और उदाहरण है जो पेरू के एक लेखक हैं, उन्होंने अपनी किताब डेथ ऑफ कल्चर में लिखा है, और उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि भाई एक 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 व्यक्ति, एक आर्टिस्ट, वो गया आर्ट गैलरी में बैठा और वहां उसने खुद अपनी विष्ठा खा ली, और उस दौरान जो उसने प्रदर्शन किया उसको कहा कि साहब ये तो इस तरह समूचा कला संसार इस वक्त पूरी दुनिया का एक बहुत गहरे संकट से गुजर रहा है। और ये ख्याल रखिए कि जब भी कला में मूल्यों का संकट होता है, ये संकट परकुलेट होके सरकते हुए मानवीय मूल्यों के संकट पे भी बन जाता है। यानी मूल्यों का उत्पादन कलाओं में होता है, और वो फिर मूल्य सरकते हुए, फिसलते हुए कह लीजिए, वो कल मानवीय समाज में आ जाते। बल्कि अगर आपको याद हो कि समाज शब्द तो हमारे यहां भारत में नाट्यशास्त्र से आया है, जो नाटक देखते थे जो लोग, एक साथ जिनको खुशी और दुख होता था प्रेक्षा घर में बैठ के, उन्हें सामाजिक कहा जाता। सामाजिक शब्द असल में तो नाट्यशास्त्र कलाओं से आया है भारत में। तो ये जो कलाओं का संकट है, इतना बड़ा संकट अब है कि हम किसे कला कहें। एक जमाने तक ये था कि भाई कला हम उसे कहेंगे जिसमें ध्वनि हो, उदाहरण के लिए, यानी जिसमें सजेशंस हो, जिसको आनंद वर्धन ने ध्वनि कहा, या जिसमें रस की निष्पत्ति हो, या जिसमें एरिस्टोटल कहता था कि भाई जिसमें आपके दुख का विरेचन हो, कैथारसिस हो। लेकिन ये सारी जो ढंग थे कला को समझने, उसको परिभाषित करने, उसको गैर कला से अलगाने के, अब वो बहुत संकट में है। अब ये हालत है दुनिया में कि हम कला किसे कहेंगे, ये इस बात पे निर्भर है कि कला की गैलरी, कला दीर्घा जिसे कला कहती है, वो कला है। हम यहां तक आ गए कि कला क्या है। कला वो है जिसे कला दीर्घा कला कहती, जिसका मतलब कुछ आर्ट कला के आलोचक जिसको कला कहें, जो कि गैलरी से जुड़े होते हैं, जो गैलरी द्वारा निर्देशित होते हैं, हम उसको कला कहें। एक ऐसे मूल्य का जो संकट है कलाओं पर, हम ऐसे समय में जगदीश स्वामीनाथन जैसे एक गहन कला चिंतक और कलाकार के बारे में बात करें, और ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वामी ने
सारी उम्र न सिर्फ अद्भुत कलाकृतियां चित्रकृतियां बनाई बल्कि कला पर बहुत चिंतन भी किया, और उन्होंने ये कला के जो मूल्य थे जो यूरोप से आए थे उनको प्रश्नांकित किया, और उनको इस तरह प्रश्नांकित किया कि बहुत सारी कलाएं जो भारत में होती हैं जिन्हें हम लोक कला के नाम से जानते हैं या आदिवासी कलाओं के नाम से जानते हैं उनके लिए भी कलाओं में अवकाश बन सके, उन्हें भी कला कहा जा सके। देखिए जब यूरोपीय भारत आए तो इस हद तक वो अपने ढंग की कला को ही केवल कला मानते थे कि उन्होंने भारत आके जो मिनिएचर चित्रकला है भारत की, जो बहुत ही उत्कृष्ट चित्रकला है, उसको कला मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस चित्र में एक रेखीय परिप्रेक्ष्य नहीं है वो कला कैसे हो सकती है। एक रेखीय परिप्रेक्ष्य का आशय ये है, जो उसका इतिहास ये है, पहले तो सुन लें कि लियोनार्डो दी विंची और उनके साथ उनके बाद आने वाले बहुत से कलाकारों ने शुरू में इटली में फिर तमाम यूरोप में ऐसे चित्रों में जहां पास की चीज बड़ी और दूर की चीज छोटी और छोटी होती होते होते तक वो अनंत में विलीन हो रहे, ऐसा जो स्पेस ऐसा जो आकाश बुना गया इसको एक रेखीय परिप्रेक्ष्य कहा जाता है कि बड़ी आकार बड़ा फिर थोड़ा छोटा फिर थोड़ा, जैसे जैसे पीछे आप जा रहे हैं चित्रकृति में तो आप एक वैनिशिंग पॉइंट पर एक विलोपित होते बिंदु तक पहुंचते हैं। इसे लियोनार्डो के चित्रों में भी आप देख सकते हैं, इसे राफेल के चित्रों में भी देख सकते हैं जो उस वक्त के हैं, और तमाम जो एक रेखीय पर्सपेक्टिव में एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में जो रेनेसां के चित्रकार थे वो काम करते थे। और ये पहली बार हुआ दुनिया की चित्रकला के इतिहास में कि एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में चित्रकला की गई। इसके पहले तक यूरोप में भी इस तरह की चित्रकला नहीं होती थी। ये रेनेसां के पहले के अगर आप चित्रों में जाएं, और इसके लिए आप गुलाम मोहम्मद शेख जैसे लेखकों और चित्रकारों की किताबें अगर आप देखें तो उसमें भी वो जिक्र करते हैं कि रेनेसां पूर्व के जो चित्र हैं उनके उनके छवियां भी हैं उसमें, उनमें ये एक रेखीय परिप्रेक्ष्य नहीं था। और एक रेखीय परिप्रेक्ष्य हुआ क्या? हुआ ये कि तमाम जो वस्तुएं आकार फिगर्स आकृतियां जो इस एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में आई वो लॉक हो गई, बंद गई, वो जहां है वहीं रह सकती थी क्योंकि उनका आकार उनकी स्थिति को निर्धारित कर रहा है। पास की चीज जो है, यानी चित्रकला में जो पास की चीज है वो आपको बड़ी ही दिखेगी, इस बड़ी चीज को आप पीछे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये एक रेखीय परिप्रेक्ष्य के नियमों के विरुद्ध होगा। ये अलग बात है कि एक रेखीय परिप्रेक्ष्य की कल्पना लियोनार्डो जैसे लोगों के मन में, यानी उनके चित्र बनाने में और उनके नोट्स में, वो आई नंबर थ्योरी से है, और नंबर थ्योरी अरब के व्यापारियों के रास्ते भारत से इटली गई थी। लेकिन उसका ये इस्तेमाल कि आप एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में पूरी चित्रकृति का जो आकाश है जो स्पेस है उसको लॉक कर दें, बांध दें, ये पहली बार मनुष्य ने ऐसी चित्र बनाए जिसमें सारी आकृतियां चित्र के अंदर के स्पेस में बंध गई। इसको एकमात्र चित्र का मूल्य मानने वाले अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने हमारी जो मिनिएचर चित्र थे जिनमें ये बंधन नहीं था, हम एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में चित्र नहीं बनाते थे, हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव में बहु परिप्रेक्ष्य में यहाँ के चित्र बनते थे,
और इसके कारण यहां के चित्रों के अंदर की जो आकाश है, उनका अवकाश है जो, उसमें सारी आकृतियां मुक्त रहती थी, फ्री होती थी कहीं के कहीं जाने के लिए। एक दर्शक चाहता तो उसको देखते देखते वो उसको कई जगह ले जा सकता था अपनी कल्पना में, क्योंकि वो बंधी हुई नहीं होती थी। और दूसरा, जो दर्शक था वो चित्रकृति में प्रवेश कर सकता था क्योंकि उसका अवकाश था उसके लिए उसमें। जबकि एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में यह अवकाश दर्शक के चित्रकृति में प्रवेश करने का नहीं होता, वो केवल बाहर रह सकता है उसमें। और ये मैं सारी चीज रूपकात्मक कह रहा हूं, आप इस पे ये प्रश्न ना उठाएं कि भाई आप घुस तो नहीं जाते, गायब तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं, आपका देखना उसमें प्रवेश कर जाता है, आपकी दृष्टि जो हमारे यहां चित्र बनते थे। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पर, इन कृतियों के पर, तो लघु चित्र हम मिनिएचर चित्र कहते हैं, उन पर प्रश्न उठाया, न सिर्फ प्रश्न उठाया, उन्हें चित्र, उन्हें कला मानने से इनकार कर दिया। इसका फल ये हुआ कि हमारे महान मिनिएचर चित्रकार, चाहे वो नैनसुख जैसे लोग हों या बाद के बहुत सारे, उनके जो भाई था मानकू और भी उनके जो परंपरा के लोग, या और राजपूत मिनिएचर, मालवा मिनिएचर के लोग, ये सारे, इनमें से अनेकों को अंग्रेजों ने ड्राफ्ट्समैन बना दिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो ड्राइंग करते थे लोग, रेखांकन करने वाले, तो ये कलाकार से उतर के ये ड्राफ्ट्समैन बन गए, जो वो चित्रकार से उतर के रेखांकन करने वाले ड्राफ्ट्समैन बने। क्यों? क्योंकि चित्रकला के मूल्य जो उन्होंने एकमात्र माने वो ये था कि लीनियर पर्सपेक्टिव, एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में चित्र होना चाहिए। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि मूल्य के परिवर्तन से कुछ कलाएं, कुछ जो चित्रकृतियां हैं, वो कला की कोटि से बाहर हो जाती। और आज ये हालत है कि हमारे पास कोई मूल्य ही नहीं है या लगभग नहीं है। सबसे बड़ा योगदान जगदीश स्वामीनाथन का ये है कि उन्होंने यूरोप से आए कला मूल्यों को प्रश्नांकित किया। उन्होंने ये कहा कि राजा रवि वर्मा, जिनके चित्रों के कैलेंडर्स हमारे यहां बनते हैं, उन्होंने भी एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में चित्र बनाए हैं, इसलिए ये भारतीय परंपरा के विश्व ऑथेंटिक चित्रकार इनको नहीं कहा जा सकता। जब मैंने स्वामी से यह बात कही कि दरअसल राजा रवि वर्मा ने तो हमारे देवी देवताओं के चित्रों को एक रेखीय परिप्रेक्ष्य में रखकर, दरअसल तो उनका, उन देवी देवताओं का ही धर्मांतरण कर दिया, उनको एक यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में रख दिया लाके, और उनको अंग्रेजों ने और अंग्रेजी से प्रभावित लोगों ने, अंग्रेजों से दहशत खाए बौद्धिकों और कलाकारों ने, कहा कि ये हमारे पहले चित्र, वो हमारे पहले चित्रकार नहीं थे। उनकी आलोचना, उनका पूरे सम्मान के साथ, उनकी यही आलोचना है कि उन्होंने भारतीय चित्र शैलियों में चित्र बनाए, उसका विस्तार करने की जगह यूरोप की एक चित्र शैली, जो एक रेखीय परिप्रेक्ष्य था, जो स्वयं यूरोप में अब त्याग दी गई थी, उसके आधार पर राजा रवि वर्मा ने चित्र बनाए। और ये एक पराजित, हारी हुई सभ्यता कर सकती है, लेकिन भारत कभी पूरी तरह हारी हुई सभ्यता थी ही नहीं। लेकिन हमको, हमारे यहां जब कला के कॉलेजेस, महाविद्यालय बने, तो विश्वास दिलाया गया कि यही कला है, और उसके अनुकूल यूरोप की जो कला मूल्य थे उनके अनुकूल चित्रों को बनाने का की शिक्षा दी गई, जिसमें, जिससे बाहर जो निकले हमारे कलाकार, उनका बड़ा भारी उद्यम है, ये बहुत बड़ा संघर्ष है उनका, जो पिछले 100 साल से चित्रकार कर रहे हैं। आमतौर पर लोग आधुनिक चित्रकला को
उतना सम्मान नहीं देते इस समाज के लोग जितने कि वो योग के हैं, क्योंकि यूरोप के कला मूल्यों और इस तरह मानवीय मूल्यों को जिन कलाकारों ने उस उन कॉलेजेस में पढ़ के जहां ये यूरोप के ही कला मूल्य सिखाए जा रहे थे उनको तोड़ा और नए कुछ मूल्य कला के नई तरह से कला की, उनका बहुत बड़ा संघर्ष है। और स्वामी जगदीश स्वामीनाथन इस पूरे जो आधुनिक कला का भारत में संघर्ष है इसके पुरोधा है, इसके बहुत बड़े नेतृत्व करने वाले हैं। ये स्वामी को वो पहले व्यक्ति हैं, बल्कि शुरुआती व्यक्ति हैं कहें, जिन्होंने यूरोप के कला मूल्यों से बराबरी का संवाद किया। ये नहीं कि उन्होंने उन मूल्यों को आत्मसात करके या उनके सामने घिघियाते हुए उनसे संवाद किया, उन्होंने एक बड़ी चित्रकला परंपरा में खड़े होके यूरोप की परंपरा चित्रकला परंपरा के साथ पूरी हुई पूरी बातचीत की, संवाद किया, जिन्हें वागी शुक्ल ने एक जगह दहशत ज़दा बुद्धिजीवी कहा है, जो पूरे वक्त ये देखते रहते हैं कि हमारी बात यूरोप की बातों से मेल खा रही है कि नहीं, जो डरे हुए हैं यूरोप के विचारों से। स्वामी उन शुरुआती विचारकों में है भारत के, ऑफकोर्स इसकी परंपरा गांधी जी से चली है, केसी भट्टाचार्य है उसमें दर्शन के क्षेत्र में, गांधी जी है सभ्यता के क्षेत्र में, उसमें चित्रकला के क्षेत्र में जो शुरुआती लोग हैं, एक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनकी चित्रकलाएं हैं, उनकी उनके चित्र हैं, लेकिन स्वामी उसी परंपरा की बहुत बड़े स्तर के प्रश्न करता है यूरोप के चित्रकला परंपरा पर और बराबरी का संवाद करने पर। वो कभी दहशत ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं हुए, और ये भारत में आज भी ऐसा व्यक्ति होना बहुत कठिन है। एक मिनट रुकिए, ये आज भी बहुत कठिन है लोगों के लिए कि इतने स्वतंत्र ढंग से अपनी परंपरा पर विचार, और मैं इसमें परंपरा की अंधभक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, परंपरा पर भी प्रश्न उठा, परंपरा तो प्रश्नांकन से ही आगे चलती जी, हजूरी से या गुलामी से आगे नहीं चलती है। तो पहली बात स्वामी के संदर्भ में ये कि न सिर्फ उन्होंने उसको प्रश्नांकित किया यूरोप की, बल्कि स्वयं भारत की परंपरा को जस का तस लेने की जगह भारत की परंपरा में क्या संभावना है उसको चरितार्थ करने की, उसको रियलाइज करने की चेष्टा की। और ये उन जैसे चित्रकारों के लिए उचित ही था, क्योंकि स्वामी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से आए थे। स्वामी उन लोगों में थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था अपनी तरह से, और वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। आपको पता होगा कि कांग्रेस में एक छोटा सा समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी था, जिसको नेहरू का एक तरह से वरदहस्त प्राप्त था, जिसमें राम मनोहर लोहिया वगैरह भी थे, जयप्रकाश जी थे, जिनका बहुत गहरा संबंध, उससे संबंध था स्वामी का। और मुझे पता नहीं आपको ये किस्सा किसी ने सुनाया कि नहीं, लेकिन ये सुनने वाला किस्सा है कि जब स्वामी ने एक अखबार प्रकाशित किया, और उन दिनों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात, उन दिनों गांधी जी दिल्ली में भंगी बस्ती में रह रहे, ये स्वामी अपना अखबार लेके गांधी जी के पास गए, तो गांधी जी ने उस अखबार को देखा
और उनसे कहा कि ये किसके लिए है, किसके लिए तुम छाप रहे हो? तो जाहिर है इन्होंने कहा मजदूरों आदि के लिए। तो गांधी जी ने कहा इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर। गांधी जी ने कहा कि आपने क्या इसमें कंटेंट है, उसको चेक नहीं किया, क्योंकि वो आप उनके स्वामी की स्वतंत्रता को और उनकी उनकी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता और सामर्थ्य को मैं विश्वास करते हुए उनका इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दो, आसान होगा उनको पढ़ने में। स्वामी इसके यानी ये तो मैं आपको किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि स्वामी गांधी जी के पास ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो कुल जोर था वो गांधीयन नहीं था, उसका बहुत उस पर प्रभाव पड़ा था सोवियत क्रांति से, जिसके झूठ को वो बाद में आके स्वामी ने पकड़ा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए और उसके बाद उसमें उसी दौरान वो अरुण आसिफ अली वगैरह इनसे बड़े उनके गहरे ताल्लुकात थे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी। स्वामी ने लिंक से जो मैगजीन थी उसमें वो शामिल हुए और उसमें कलाओं पे भी लिखते थे और थोड़ा कलाओं पे भी लिखा करते थे और साथ में कुछ एक जासूसी उपन्यास भी लिखते थे जो अभी भी अप्राप्य है, लिंक की फाइलों में कहीं होगा, और चित्र बनाते थे। लेकिन आप फिर थोड़े दिनों में उनको कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाल बाहर किया गया और 50 के दशक में ही गांधी स्वामी चित्रकला का व्यवहार करते चित्रकला करते करते ये धीरे धीरे समझना शुरू हो गया उनके मन में कि भारत की चित्रकला परंपरा को अगर हमें दोबारा लाना है और अपने अपनी सृजनशीलता के रास्ते लाना है, कोई एक उसका स्रोत पर्याप्त नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारा फारसाई परंपराएं जो भारत में चित्र की हैं उनको खंगालना है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि साहब जो मिनिएचर चित्रों को अगर हम ध्यान लें या उसका अध्ययन कर लें तो हमारी बात निकल आएगी। उन्होंने कहा आदिवासी चित्रों को भी समझना पड़े, उनको आपको मधुबनी चित्रों को भी समझना पड़े, आपको आदिवासी ये मिनिएचर चित्रों के साथ पटचित्र जो है वो भी समझना पड़े, क्योंकि इन तमाम चित्रों में जो स्पेस है उसको अलग अलग तरह से विन्यस्त किया गया। आखिर चित्रकला किस चीज को कहते हैं? अगर कविता या कहानी या साहित्य काल को नए नए तरह से विन्यस्त करने के रास्ते हैं, मार्ग हैं, चित्रकला स्पेस को अलग अलग तरह से विन्यस्त करने का जरिया है। और ये अलग अलग जो हम स्पेस को या आकाश को विन्यस्त करते हैं, इससे अलग अलग भाव पैदा हो, उसमें अलग अलग किस्म की संवेदनाएं से संचरित होती है और रस का संचार अलग अलग तरह से होता है। चित्रकला में जब हम स्पेस को संयोजित करते हैं, बुनते हैं नए ढंग से, तो हम एक नए संसार की प्रस्तावना करते हैं, ये पूरी तरह नए संसार की प्रस्तावना करते हैं। हमको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि स्वामी क्या संसार प्रस्तावित कर रहे हैं, ये चित्रों में या उनके चिंतन में जो संसार स्वामी ने प्रस्तावित किया वो क्या है। क्योंकि ये बात सच है कि स्वामी उन चित्रकारों में थे जिन्होंने एक समूचा नया संसार प्रस्तावित किया अपने चित्रों में।
जिसके लिए उन्होंने पर्याप्त बौद्धिक श्रम भी किया और सृजनात्मक कल्पना का भी सहारा लिया। आप स्वामी के चित्रों में लगभग पहली बार मिनिएचर के बाद एक रिफ्लेक्टिव मननशील चिंतनशील भाव आपको स्वामी में नजर आए। स्वामी का के चित्र स्पेक्टिकल नहीं है, स्वामी के चित्र रिफ्लेक्टिव है। भारत में आधुनिक चित्रकला में जो रिफ्लेक्टिव पेंटिंग है, जो चिंतन के लिए उद्वेलित करने वाली आपको उकसाने वाली चित्रकला है, इसकी लगभग आधार भूमि स्वामी ने रखी। और इसीलिए और ये जो रिफ्लेक्शन है, चिंतन है, जिसके लिए आप आपको वो जगाते हैं, इसको ऑक्टावियो पास जैसे चित्रकारों ने, अपने कवियों, महान कवियों ने इसको पहचाना था। उनकी कविता की पहली लाइन ही है कि अगेंस्ट द एडिफिक्से, जो बने बनाए विचार हैं, चित्रकला का जो तब तक का विचार था, भारतीय चित्रकला का भी जो विचार पहले से था, जो बंगाल स्कूल में था, या यूरोप के जो चित्रकला के विचार थे, उनके उनको प्रश्नांकित करते हुए, उनके विरोध में ये चित्रकार खड़ा हुआ। और ये आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप चित्रकला की, चित्रकला में जो संसार जन्म ले रहा है उसके बिल्कुल नई आधार भूमि रखते हैं, तो ये बड़ी इनसिक्योर होती है, असुरक्षित होती है। इसका तिरस्कार करने में एक मिनट नहीं लगता किसी को भी। उस हिम्मत और इस परंपरा पर गहरे गहरी निष्ठा के साथ एक आधार भूमि स्वामी ने रिफ्लेक्टिव विचारशील चिंतनशील चित्रों की रखी, और ये उनके पहले चित्र से आखिरी चित्र मिलेगी। इसमें आपको और अद्भुत बात यह है, आपको ऐसे चित्रकार मिलेंगे भारत में हैं जो मिनिएचर चित्रों से प्रभावित है। उसमें रजा साहब जैसे चित्रकार या गुलाम मोहम्मद शेख जैसे चित्रकार हैं। ऐसे चित्रकार भी हैं जो आपको उदाहरण के लिए आदिवासी चित्रों से थोड़ा बहुत प्रभावित हुए। स्वामी अकेले ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने सारी परंपरा की ऊर्जा दोनों हाथों से बटोरी। लोक चित्रकला भी मैं भी ढूंढा, उन्होंने मिनिएचर चित्रों में भी गए, आदिवासी चित्रों में भी गए, और इन सारे चित्रों से जो ऊर्जा थी, जो संभावना थी इन चित्रों में, वो स्वामी ने अपने चित्रों में बिखेरी। अभूतपूर्व चित्रकार होते हुए भी स्वामी, उनकी परंपरा को अगर आप पीछे जाएंगे, उनसे चित्रों से पीछे अगर जो रास्ते फूटते वहां जाएंगे आप, तो आप आदिवासी चित्रों में भी पहुंच जाएंगे, आप मिनिएचर चित्रों में भी पहुंच जाएंगे, आप बहुत सारी लोक कलाओं में भी पहुंच जाएंगे। ऐसे चित्रकार स्वामी मेरी दृष्टि में अकेले हैं भारत। और ये ख्याल रखिए कि परंपरा रेट्रोस्पेक्टिव होती, अनुदर्शी होती। आप एक कुछ बना लेते हैं, स्वामी जैसा महान चित्रकार जब एक चित्र बना लेता है, तो वो परंपरा को नए ढंग से देखना प्रस्तावित करता। स्वामी के चित्रों ने यह बताया कि हमारी मिनिएचर चित्रकला, हमारी लोक कलाएं और हमारी आदिवासी चित्रकलाएं, इनमें कोई एक सूत्रता है किसी रूप में। और ख्याल करिए, ये एक सूत्रता, कलात्मक एक सूत्रता, ये भारतीय सभ्यता की भी एक सूत्रता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदिवासी चित्र जो है वो कमतर हों और मिनिएचर चित्र जो, क्योंकि वो
उनके पेट्रंस ज्यादा बड़े होते थे तो बड़े हों, या उनमें रिफाइनमेंट ज्यादा, हल्कि रिफाइनमेंट कला में बड़ा मुश्किल शब्द है परिभाषित करना, ये एक सूत्रता है। हालांकि ये जो एक सूत्र है बहुत बारीक है, ये स्वामी के चित्रों में आपको ये एक सूत्रता का अनुभव जगह जगह हो लगेगा। और इसे ही आप चाहें तो कह सकते हैं कि ये हम अगर किसी को इस सभ्यता की चित्रकला कह सकते हैं आधुनिक समय, उसकी एक तरह की आधार भूमि स्वामी के चित्रों में रखी। इस अर्थ में स्वामी हिंदुस्तान की पायनियर पेंटर, इसका उन्होंने वो चीज दिखा दी, इस सभ्यता की एक की उसकी परंपरा की निरंतरता दिखा। और ख्याल रखें ये कि भारत में आदिवासियों को अलगाने के वो सब बिल्कुल अलग कोई चीज है और बाकी जो है वो सब अलग हैं वगैरह वगैरह, ये इतनी मेहनत की है यूरोप के स्कॉलर्स ने, और स्वामी जैसे व्यक्ति इससे अवगत थे, जानते थे। स्वामी ने अपनी संवेदना का, सृजनात्मकता का जो कैनवस है वो इतना बड़ा रखा कि ये जो कंटिन्यूअम है भारतीय चित्रों चित्रकला परंपराओं का, ये उनके चित्रों में आकार ले सके। और इसके साथ भी उनके खास तौर पर बीच के जो चित्र हैं, जहां पहाड़ है, वो चिड़िया है और पेड़ हैं, अगर आप उनको बहुत ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में, वो बहुत ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक चित्र है। उसमें इस परंपरा की एक सूत्रता को खोजने वाला, इस परंपरा का अन्वेषण करने वाला, चित्र की परंपरा का, भारतीय सभ्यता की, जो बहुत दूर तक फैली है, क्योंकि भारत नेशनलिज्म की बात नहीं कर रहा मैं, सभ्यता की बात, नेशनलिज्म तो बड़ी बात की और बड़ी बेहुदा अवधारणा है, ये एक व्यापक जो सभ्यता, इसको एक सूत्रता ढूंढने वाला और उसमें अपनी सृजनात्मकता को चरितार्थ करने वाला चित्रकार कितना अकेला होता है, ये इन चित्रों में, पहाड़, चिड़िया और पेड़ के चित्रों में आपको नजर आए। ये मनुष्य के एग्जिस्टेंशियल सॉलिट्यूड की के चित्र हैं। और ऐसे चित्र आपको आधुनिक परंपरा में बहुत कम मिले। ये वो चित्र नहीं है जो अकेलेपन को का घोषणा करते हैं, ये आपके भीतर, दर्शक के भीतर उस अकेलेपन को जागृत करते हैं। और उस क्षण आप चित्रकार के अकेलेपन के साथ कम्युनियन, जो स्वामी कहा करते थे शब्द, उसको स्थापना हो जाती, यू बिकम वन विद द लोनलीनेस ऑफ एन आर्टिस्ट। और उस लोनलीनेस की आलोक में आप अपने लोनलीनेस का, अपनी एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस, अकेलेपन का आपको एहसास होगा कि मनुष्य का होना उस मूलभूत अकेलेपन को वो जीवन भर लेके जाता है, और बिना किसी घोषणा पत्र के, बिना किसी शोर शराबे के, ये आपके अंदर अकेलापन, जिसको हम कहते हैं, सीप इन कर जाता है, वो अकेलापन सोख लेते हैं आप, और अपना अकेलापन जो है वो आलोकित होता है आपके भीतर। एक महान चित्रकार का ये गुण इसमें आपको नजर, ये वो ऐसी जगह ले जाता है आपको जो अस्तित्विक रूप से मनुष्य की है, सामाजिक नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है, उससे परे है, यानी जिस उन मूल्यों, उन अनुभवों पे ले जाता है जिनके आधार पर सभ्यताएं बनती, जिनके आधार पर संस्कृतियां उद्घाटित होती हैं, बनती हैं, वो वहां ले जाता है। और स्वामी के चित्र आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आप अपनी अस्तित्वगत अकेलेपन का और उसके उसके गहन होने का और उसके समृद्ध होने अनुभव करते। इस जगह आपको स्वामी की जो चित्र हैं उनमें
जो महान आधुनिक कवि, चाहे वो रिल्के हो या इस तरह के जो कवि, उनकी याद आती, जो उस अकेलेपन के का को चरितार्थ करते हैं आपके भीतर। और ये अकेलापन, ये याद रखें, ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये कम्युनियन के लिए। केवल पाठक या दर्शक जब एक होता है चित्रों के साथ, एकात्म होता है, तब वो अकेलापन उसके भीतर जा। वरना अकेलापन तो शब्द है, उसे कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते रहते हैं कि मैं अकेला हूं और हाय, वो बात नहीं। इस बहुत बुनियादी अर्थ में स्वामी आधुनिक भारतीय मनुष्य के, जो आधुनिकता और परंपरा की मुठभेड़ में फंसा हुआ है, उसके अकेलेपन को जागृत करने वाले अनोखे चित्रकार वो हुए हैं। स्वामी ने कुछ चित्रों, मतलब आपको ये पता ही है कि स्वामी एक कृष्ण कोटि के कवि, और सिर्फ 7-8 या 10 कविताएं उन्होंने लिखी है बमुश्किल। उनकी कविताओं में जो चित्र हैं वो आपको कल्पना करना पड़े, वो संवाद भर दे रहे। एक आदमी पहाड़ की यात्रा करा रहा है किसी को, तो पहाड़ों की पृष्ठभूमि की, उसके रंगों की, उसकी आवाजों की, उसके सन्नाटे की, उसके झिंगरों की आवाजों की, वगैरह वगैरह, ये सब आप कल्पना करते। ऐसी लिखी गई कविता, वो चित्र संभवा कविता है जो स्वामी ने। अब मैं आपको एक अजीब बात बताता हूं कि स्वामी के जब उनके कुछ निबंधों को मेरे एक वैदिक स्कॉलर दोस्त हैं, शाल मालामूट, फ्रांस के हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, 90-92 साल के हैं, उन्होंने इनके जब निबंध पढ़े तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये संभव है 21वीं शताब्दी के सबसे शुरुआती 21वीं शताब्दी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चित्रक है। उनके चित्रों को देखने के अलावा जो स्वामी ने लिखा, स्वामी जितने बड़े चित्रकार थे, अपने चिंतन में वो उतने ही गहरे थे, उतने महत्वपूर्ण उनका योगदान है। जब उन्होंने उदाहरण के लिए ये कहा कि इंफिनिटी में, अनंत में प्रकृति का क्या अर्थ है, यानी अगर हम एक अनंत काल में और अनंत स्पेस में रह रहे हैं, तो हम प्रकृति किस चीज को कह रहे हैं? क्योंकि प्रगति के लिए तो एक स्थायी बिंदु चाहिए, एक शुरुआत हो एक जगह से और आप आगे की तरफ बढ़े। लेकिन अगर हम अनंत में हैं, जिसकी ना कुछ शुरुआत है ना कुछ अंत है, तो हम किस चीज को प्रगति कह रहे हैं? ये एक अजीब बात है। उन्होंने प्रगति नाम का, जो कि हम सब आजकल आक्रांत हैं, जो आजकल विकास नाम से चलता है, वो शब्द किस चीज का में हम आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम एक अनंत समय और देश में हैं, तो किस चीज का विकास हो रहा है भाई? किस चीज में हम प्रगति, कहां आगे जा रहे हैं? इस जगह आके स्वामी ने जो एक सेमेटिक चेतना, जो एक शुरुआत मानती है, एक निश्चित शुरुआत मानती है, जो भी परंपराएं निश्चित शुरुआत मानती हैं, आज तो भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही मानते हैं, उनको स्तर पर प्रश्नांकित कर दिया, स्तर पर प्रश्नांकित कि प्रगति अनंत में प्रगति नहीं होती, और हम सब अनंत के वासी हैं, हम चाहे ना चाहे। आप रोज किसी भी दिन रात में, किसी भी रात में आंख खोल के लेट जाइए आंगन में, अगर आपके घर में हो,
और ना हो तो सड़क पे चले जाइए, ऊपर देखिए। और ये किस्सा है स्वामी का मेरे साथ। बहुत रात में एक बार, हम तो बहुत स्वामी से छोटे, और हम उनके साथ बैठे रहते थे 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, और पानी पीते रहते थे। क्योंकि मैं अपने तीनों गुरुओं के, चाहे वो निर्मल वर्मा हो, मणिकौल हो और जगदीश स्वामीनाथ, मैं कभी उनके साथ बैठ के कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर रहे हैं इसका मैंने कभी नहीं किया। उसको हमेशा उस पर गुरेज किया, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ता रीडिंग्स, आप उसको धारण नहीं किया। और ये वो लोग हैं जिनके सुने हुए पे आपको सालों साल विचार करने की जरूरत। तो एक रात हम बाहर आए उनके घर से, वो एक बड़ी ऊंची इमारत बेतवा अपार्टमेंट था, उसमें रहते थे, 8वें फ्लोर की थी। नीचे आए, न्यू मार्केट भोपाल में एक जगह है, वहां हम घूमने लगे। बिल्कुल रात हो चुकी, अचानक चलते चलते स्वामी ने ऊपर देखा, तारे दिन बना रहे थे, सर्दियों के दिन। उन्होंने कहा अचानक कि हाउ कैन देयर बी प्रोग्रेस इन इंफिनिटी। ये आप सोचिए, क्या एक आदमी ऐसे देखता है, और वो उसको याद आ गया उसका वाक्य, या शायद पहली बार कहा हो, कह चुके हूं। वो कितनी मूलभूत बात है, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। हम आधुनिक लोग अपने को जो प्राचीन लोगों से उच्चतर मानने की बेवकूफी करते रहते थे, उससे एक झटके में उन्होंने हमको फ्री कर कि जो पुराने, जो परंपरा के पुराने जो लोग हुए, वे भी हमारी ही तरह अनंत के वासी थे, और हम भी हैं। और इस अनंत के संदर्भ में ना तो हम उनसे आगे हैं ना पीछे हैं, हम उनके समकक्ष हैं। इसका इंप्लीकेशन आप इसका देखिए, इंप्लीकेशन चित्रकला परंपरा में, हम मिनिएचर परंपरा में अगर आप देखें तो उसमें जो स्पेस है उसकी प्रगति वैनिशिंग पॉइंट की तरफ नहीं होती। सारी आकृतियां मानो अनंत में अवस्थित हों। जिन्होंने मिनिएचर चित्र नहीं देखे हैं उनको देखना चाहिए, तो उनको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। वो एक अनंत स्पेस में उसका एक टुकड़ा, अनंत का एक टुकड़ा काट के फ्रेम किया हुआ है, या वो चित्र में आया है, उसमें अलग अलग जगहों पर आकृतियां अवस्थित हैं, और जिसमें आपका भी प्रवेश होता है। जबकि यूरोप की एक रेखीय परिप्रेक्ष्य की जो धारणा है उसमें आपको लगता है कि जो आगे व्यक्ति है, पास वाला व्यक्ति, वो ज्यादा प्रगति कर गया है पीछे वाले व्यक्ति। एक झटके में स्वामी ने जो एक रेखीय परिप्रेक्ष्य की जो चित्रकला की परंपरा है उसका जो आधार सिद्धांत, उसका जो सिद्धांत, उसको खींच दिया। और ये याद रखिए, मैंने स्वामी को गांधी जी के अलावा एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको मैंने ये देखा कि उनका एक एक वाक्य उसके इम्प्लीकेशंस 25 जगह हुए। और मैं गांधी की बराबरी स्वामी की नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो एक चीज अगर प्रगति पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो वो एक रेखीय परिप्रेक्ष्य पे भी उसी क्षण प्रश्न उस पर प्रश्नांकित उन्होंने कर दिया, और समूची यूरोपीय परियोजना को प्रश्नांकित कर दिया, जिसमें ये माना गया कि टेक्नोलॉजी का विकास ही दरअसल विकास है। ये तुरंत प्रश्नांकित हो कि किस तरह ये पृथ्वी अनंत में घूम रही है। अगर आपको याद हो तो बकमिंस्टर फुलर करके एक डिजाइनर था अमेरिका का, उसने किसी उसमें भाषण में, उसकी एक किताब है ऑपरेटिंग मैनुअल ऑफ द स्पेसशिप अर्थ, तो उसके संदर्भ में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लेक्चर किया। तो उसने, किसी ने पूछा उससे कि आप ये किस स्पेसशिप की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल, उसने उनसे पूछा गया कि आप कभी स्पेसशिप में गए, वहां कैसा लगता है। तो उसने, बकमिंस्टर फुलर ने कहा कि आपका क्या ख्याल है, आप काहे पे बैठे, ये पृथ्वी स्पेसशिप है। ये इस बड़े संदर्भ को अगर आप अपने अस्तित्व के आयाम के रूप में देखने लगे तो स्वामी जो कह रहे हैं वो समझ में आ जाए कि अनंत में
केवल आत्म साक्षात्कार होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होते हैं, कम्युनियन होता है, प्रोग्रेस नहीं होती। इसीलिए और कला इस बात की सबसे मजबूत साक्षी है, अगर प्रगति होती, जो यूरोप कह रहा था कि टेक्नोलॉजी से प्रगति हो जाती है, अगर होती तो आज का एक कवि, कोई भी कवि, कालिदास से बड़ा हो जाता, नंबर एक। नंबर दो, कालिदास की कविताओं में आज हमें रस नहीं आता। क्या आता है? ऐसे क्या हो गया है? प्रगति क्या, किस चीज को? टेक्नोलॉजी। और यहां से हम स्वामी के उस बहुत बड़े योगदान पे आते हैं जो उन्होंने भारतीय ही नहीं चित्रकला मात्र को किया है। वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जितनी कलाएं भारत में हैं आज, जो शहरों में सीखने वाले करने वाले चित्रकार हैं, वो चाहे वो हुसैन साहब हो, सूजा हो, रजा हो, जोगेन चौधरी हो, वो जो आदिवासी अंचलों में चित्रकला हो रही है, वो जो लोक में चित्रकला हो रही है, वो ये सारे समकालीन। ये कहना इसके पहले तक आदिवासी और लोक चित्रों को नृतत्व शास्त्र का विषय माना जाता था, ये कोई गए बीते हुए समय की कलाएं हैं ऐसा कहा जाता था। क्यों? क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग अब ज्यादा प्रगति कर गए तो वो आगे ही कला है। अब अगर इस पर एक मिनट ठहर के विचार करें तो ये कितना मूर्ख विचार है कि शहर में रहने वाले प्रगति कर गए। किस तरह चित्रकला में किस तरह हुई थी ये प्रगति? स्वामी ने ये इस वैचारिक खोखलेपन को पहचाना और भारत भवन की गैलरीज में, जब भारत भवन का संयोजन हुआ बना, उस भारत भवन में उन्होंने ये आधार सिद्धांत बनाया कि सभी कलाएं समकालीन। तो आदिवासी चित्र, लोक कलाकारों के चित्र और नागर चित्रों चित्रकारों के चित्र जो कि शहरों में रहते हैं या जो तथाकथित मॉडर्न आर्ट करते हैं, ये सारे समकालीन हैं, एक ही काल के हैं। इनमें ऊंचा नीचा ये कोई नृत्य शास्त्र के विषय नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि टेक्नोलॉजी, विकसित टेक्नोलॉजी वाले समाज, विकसित कला परंपरा वाले समाज भी हो आवश्यक। और उन्होंने यूरोप के इतिहास की इस धारणा को, जिसके चलते टेक्नोलॉजी का विकास समाज के विकास के रूप में देखा जाता है, इसको मूलभूत स्तर पर, इस पर कुठाराघात, उसको तोड़ दिया। भारत भवन जैसे संस्थान में दोनों चित्र परंपराओं को, सारी चित्र परंपराओं को भारत की एक साथ रखना एक बहुत बड़ी दार्शनिक उक्ति है। ये पूरी दर्शन की पुस्तक है, वो तीनों सारे परंपरा को एक साथ रखना, क्योंकि यहां संस्कृति को केवल टेक्नोलॉजी पर आधारित बताने से गुरेज किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक समृद्धि केवल टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी उसको क्षतिग्रस्त कर। इन सारी आर्ट गैलरीज को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एक दार्शनिक आधारशिला स्वामी ने रखी, ये सब सारी चित्रकृतियों को एक साथ लाके,
इसने कितनी बड़ी हमारे अनुभव तंत्र में कितनी बड़ी कितना बड़ा बदलाव लाया है, जहां हम आदिवासी जीवन को अपने से कमतर मानने की गलती करना नहीं चाहते, जहां हम आदिवासी जीवन के प्रति उतने ही उत्सुक और सम्मान से भरते हैं जितने किसी भी और जीवन के प्रति। और स्वामी ने इस तरह इन श्रेष्ठ आदिवासी जीवन जो कि बिता रहे थे, उनको एंथ्रोपोलॉजी की किताबों से निकाल के हमारे रोजमर्रा के जीवन में संचरित करने की, हमारे चारों तरफ जीवंत बनाने की, और उसकी उससे हम ही समृद्ध हुए, आदिवासी जीवन नहीं, इसका प्रयास किया। तो एक तरफ तो अस्तित्विक अकेला मनुष्य का, और दूसरे तरफ इस ये व्यापक सहकार कि सभी लोग एक सूत्रता, उनमें संवाद की संभावना है, कोई ऊपर नीचे नहीं। इस किस्म की समता जो सैद्धांतिक नहीं है केवल, जो अस्तित्विक है, उसकी प्रस्तावना इस एक चित्रकार ने अपने जीवन में, चित्रकार चिंतक ने की। इससे बड़ा योगदान इस पूरी चित्रकला परंपरा में, आधुनिक चित्रकला, किसी का नहीं। आप सोच के देखिए कि जिस जनगढ़ सिंह शाम को स्वामी के कारण वो पहाड़ी को पाटनगढ़ से भोपाल तक आया, और उसने जब चित्र बनाना शुरू किए तो अनोखी चित्र परंपरा का जन्म हुआ। ये स्वामी ही थे जिनके कारण ये विश्वास उनका आदिवासी सृजनात्मकता पे, ये वही था जिसने जनगढ़ सिंह शाम जैसे महान चित्रकार के होने की भूमि बनाई, उसकी भूमि बनाई। वरना वो तिरस्कृत हो के यह चित्रकार वो काम कर ही नहीं पाता जो उसने किया। इतना सम्मान उन्होंने इस संभावना को दिया जो जनगढ़ सिंह शाम थे, और एक पूरी नई चित्रकला शैली पैदा हुई जिसे हमारे दोस्त अखिलेश जो हैं उन्होंने जनगढ़ कलम कहा, और जिससे स्वामी के प्रति गुरु ऋण चुकाने के लिए हमने पूरी किताब लिखी जनगढ़ कलम। और ये सारे लोग संगीत की परंपरा से आए थे, ये वंशावलीकार हैं, लेकिन संगीत इनके भीतर रूपांतरित होके चित्रकला, एक अनूठी चित्रकला परंपरा में पैदा हुआ, अवतरित हुआ, कहने चरितार्थ हुआ, और जो आज पूरी दुनिया में जिसके चित्रकार जाते हैं उनका सम्मान है, और वो एक स्वीकृत चित्रकला शैली है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि स्वामी ने इस निरंतरता को, इस सभ्यता की रेखांकित भी किया और उसका व्यवहार भी किया, अपने चित्रों में उसका व्यवहार। आप ये कह सकते हैं कि स्वामी के चित्र एक ऐसी अनूठी सृजनात्मकता है जो क्रॉसरोड्स पे है, मिनिएचर चित्र और ट्राइबल आदिवासी चित्र, लोक कलाओं के चित्र, पट चित्र आदि के समझे चौराहे पे खड़े और एक रूप दे रहे हैं। अपने भीतर से इतनी धाराओं को बह जाने देना बहुत बड़ा कलात्मक जोखिम होता है, क्योंकि आप बह जा सकते हैं उसमें। और उन्होंने जो इन मूल्यों को पैदा किया वो अद्वितीय था। एक उदाहरण देता हूं, स्वामी ने यह प्रश्न उठाया कि जो ग्रीक प्रश्न है उनमें ही गलती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि यह प्रश्न जो प्लेटो सोक्रेटिस से पूछते हैं कि सौंदर्य क्या है, इस प्रश्न में ही खोट है।
सौंदर्य क्या है, ये अनुभव की चीज है, वक्तव्य की नहीं। पहली बात। नंबर दो, इस प्रश्न का जो जवाब आया सोक्रेटिस की तरफ से वो ये था कि सौंदर्य एक परफेक्ट फॉर्म है। अगर हम ये जवाब को मान लेते तब हम आदिवासी लोक चित्रकलाओं को कहां रखेंगे? और यूरोप में इन चित्रों, आदिवासी लोक कलाओं के बहुत उनकी कलाओं के विकास, विकासशील न हो पाने का, समृद्ध न हो पाने का एक कारण ये भी। आप अगर सिर्फ एक बात स्वामी ने जो कही ध्यान से सुने, अगर उसको समझें कि द ग्रीक क्वेश्चंस वर रॉन्ग, एक बात कही उन्होंने सिर्फ, और इतने बड़े लोग ऐसे ही कहते हैं। इनसे यह उम्मीद करना कि किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह ये किताबें लिखेंगे उनका काम नहीं। और उसी के साथ वो सारी आदिवासी लोक कला परंपराओं और को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तो जवाब दे रहे हैं कि क्यों हम ये बात हमने कही कि ये इनमें से परफेक्ट फॉर्म नहीं है और तब भी इनमें सौंदर्य। लंबे समय तक ये जो लोक कलाओं की परंपरा और आदिवासी चित्रकलाओं की परंपरा अगर भारत में जीवित रह सकी तो वो इसलिए कि इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया और ना उसका इस तरह का कोई जवाब दिया गया। इस परंपरा में प्रश्न ये, जवाब ये है कि चित्रकला क्या है, तो उनका साहब उसके छह तत्व होते हैं। उसमें रूप होता है, उसमें भाव होता है, उसमें सादृश्यता होती है जो कि बहुत उलझा हुआ कॉन्सेप्ट, उसमें लावण्य होता है और उसमें वर्णिका भंग होता है, रंग होते हैं, रंगों का संवाद होता है। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि परफेक्ट फॉर्म है कि नहीं है। और अगर उन आधारों पे उन तत्वों को देखेंगे तो आपको सारे चित्र मिल जाएंगे उससे जुड़े हुए। और इस तरह कलाओं में भी एक किस्म की निरंतरता और समता वो लेके आए। और स्वामी इस तरह उन चित्रकारों में माने जाएंगे, आज उन्हें इसलिए याद करना जरूरी है कि स्वामी ने जिन चित्रकला के को मूल्यों की बात की, सीधे सीधे नहीं की, अपने इन अलग अलग किस्म के वक्तव्यों से जो निसृत हुई, जो सतह उद्भूत हुई, जो मूल्यों की बात, वो आज के मूल्य की जो संकट है उनमें काम आ सकता है, चित्रकारों के लिए भी, सभ्यता के इतिहासकारों के लिए भी और रोजमर्रा के जीवन के लिए। आज स्वामी के चित्र और उनके सैद्धांतिक कथन जो टुकड़ा टुकड़ा है यहाँ, वैसे ही होता है। गांधी जी का भी वैसे ही था, बहुत सारे दार्शनिकों का भी वैसे ही है। और वो कोई दार्शनिक, उस तरह के दार्शनिक एकेडमिक नहीं थे, वो चिंतक थे। वो बिखरा टुकड़ा, उस पर विचार करना आज की कला के मूल्य, जो जिस संकट से गुजर रहा है कला, कला की दुनिया, उसके लिए बहुत महत्व का उस। इस अर्थ में आज स्वामी ऐसे समय पे आके जब चित्रकला उसे कहा जाता है, कहा जाना जैसे तय हो गया है, जिसे गैलरी कला कहती, स्वामी के जो विचार हैं चित्रकला के और उनकी चित्रकला का जो अध्ययन है और उनका जो अवदान है चित्रकला की पूरी दुनिया में, वो हम सबके लिए, हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्व का। क्योंकि ये स्वामी ही थे जिन्होंने इस देश की एक सूत्रता के लिए, जिसका मैं थोड़ी देर पहले मैंने जिसकी व्याख्या की, किसी नेशनलिज्म की बात नहीं की, किसी से नफरत की बात नहीं, बल्कि कहा कि हम तो चुपचाप एक दूसरे से जुड़ी जुड़े हुए देश हैं, सभ्यता हैं। इसके लिए हमें कोई यूरोपीय नेशनलिज्म की धारणा और उससे आए हुए विष, विष के जो जहर उससे पैदा होता है, उसकी जरूरत नहीं। इस अर्थ में भी स्वामी आज के लिए, आज के हमारे समय के
बहुत बड़ी उपस्थिति है हमारे लिए और बहुत जरूरी हमारे लिए। जरूरी शब्द मुझे बहुत ही नापसंद है क्योंकि हमारे बहुत से प्रगतिशील लेखक मित्र इस्तेमाल करते हैं, साहब इनकी बड़ी जरूरी किताब है, बेवकूफी की बात है। लेकिन स्वामी एक ऐसे चित्रकार है जिनका चिंतन आज हमको इस संकट को समझने और उसे किसी हद तक सामना करने का की शक्ति और विचार दे सकता है। धन्यवाद जी, शुक्रिया उदयन जी इस बेहद विचारोत्तेज वक्तव्य के लिए। और कई ऐसी बातें यहाँ आई जिन्हें सुनते हुए हम सभी लोग सोचने पर विवश हुए, और आदिवासी कला और शहरी कला को एक समकाल में रखते हुए लेकर चलने की जो बात स्वामीनाथन जी ने की, वही बात आपको याद होगा कि सुरेश शर्मा जी ने आपसे बातचीत के बीच उस बात को बहुत ही गहराई से रेखांकित किया। मित्रों, इस अवसर पर वह जो बातचीत है समास में जो हुई थी, उसके अंक को और उस पुस्तक को मैं यहाँ पर रखता चलूं, इसलिए भी कि इस बहाने कुछ और बातें हमें सुनने का मौका मिल सके उदयन जी की ओर से। जी, तो यह तो स्वामीनाथन जी का वह चित्र है, उदयन जी के गुरु का चित्र। इस चित्र के बारे में भी कुछ बतलाएं उदयन साहब। ये शायद भोपाल का है, ये भोपाल में और उन दिनों वो हाथ से करते थे, बनाते थे चित्र, और स्वामी कोई भी चित्र बहुत देर तक बनाते थे कई बार इन इन चित्रों। हालांकि स्वामी ने कोई अपने चित्र बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, कई बार बहुत तेजी से बनाते थे, कई बार एक इमेज उनके कैनवस पे कई दिन टंगी रहती थी। तो उसमें से किसी एक दिन का है, ये उनके स्टूडियो का है जो भोपाल में थे, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। जी, मुझे ठीक याद है तो ये विवेक कलियो का फोटो नहीं, प्रकाश हतवलने का फोटो, प्रकाश हतवलने। जी जी जी, और यह भी एक बेहद खास बातचीत है समास के मित्रों, इस छठे अंक में सुरेश शर्मा जी के साथ उदयन वाजपेयी जी की, जिसमें वे किस, चूंकि स्वयं सुरेश शर्मा जी आदिवासी समाज के गहरे अध्येता रहे, मानव विज्ञानी रहे, इतिहासकार रहे, सिद्धांतकार रहे, और वे उनकी दो किताबों, स्वामी जी की दो किताबों की भी चर्चा करते हैं, और इन आदिवासी चित्रों को किस तरह से केंद्र में लाकर चलने की बात निरंतर करते रहे, आजीवन करते रहे स्वामीनाथन, इसके अवदान पर भी वे बात करते हैं। तो कुछ और ऐसी बातचीत जो आपको याद आ रही हो, मगर उसके पूर्व बस समय आधा मिनट दें, यह समास छः का वह अंक है मित्रों, और यह एक नई किताब जो आई है आधुनिकता और पैगन सभ्यताएं, सुरेश शर्मा से उदयन वाजपेयी का संवाद। तो यह उसी संवाद का पुस्तकाकार प्रकाशन है, तो ये मुझे लगा कि इस अवसर पर इसकी चर्चा मित्रों से की जाए, जो लोग अवगत हैं वे हैं और जो नहीं हैं वे इस बहाने कुछ और चीजें जानेंगे। तो कुछ और ऐसी बातचीत जो इनके माध्यम से कहना चाहें, सुरेश शर्मा जी के माध्यम से उस बातचीत को कुछ याद करते हुए कोई ऐसी बात खास तौर से याद आ रही है। सुरेश शर्मा के संदर्भ में एक बात, तो सुरेश बहुत बहुत ही बड़े विचारक थे। सुरेश, हम सब जो भी स्वामी से जुड़े हुए लोग वह जानते हैं सुरेश को। सुरेश एक शायद देश के बहुत बड़े चिंतकों में और समाजशास्त्रियों में रहे, और उनकी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। हमसे हर मृत्यु से आप जिससे आप जुड़े थे उसकी मृत्यु से आप और अकेले हो जाते, अकेलापन बढ़ गया। उन्होंने आदिवासियों के को का जो आधुनिक संसार में जो स्थान है उस पर बहुत विचार किया था कि इस आधुनिक दुनिया में वो कहाँ अवस्थित हैं, आदिवासी जो हैं वो यहाँ कहाँ हैं। तो उसी संदर्भ में सुरेश इस स्वामी के इस योगदान को बहुत बड़ा मानते, जिसमें स्वामी ने ये समकालीन की जो धारणा सामने रखी थी, और चूंकि सुरेश ने आदिवासी समाजों को बहुत निकट से देखा था जैसे कि स्वामी ने भी देखा था, तो
सुरेश उस संदर्भ में भी स्वामी के बहुत बड़े प्रशंसक। और एक बात और मैं आगे कहूं, जो आप कल अखिलेश जी से आग्रह कीजिएगा कि वो इस पर थोड़ा और विस्तार से कहें, कि स्वामी ने ये जो पहाड़ी कोरबा लोग हैं उनके चित्रों पर एक किताब लिखी जो मैजिकल स्क्रिप्ट नाम था, जादुई लिपि। उसकी व्याख्या वो आपको जरूर करें, अभी तो मेरे पास उतना अवकाश नहीं है। तो अगर आप उन आदिवासियों के पास, संयोग से मैं भी गया एक फिल्म के संदर्भ में, और मैंने भी एक, मैंने तो खैर वो बात नहीं है, मैं तो सिर्फ स्वामी के बताए रास्ते के चलते मैं वो पहाड़ी कोरबा लोगों के बीच पहुंचा और एक दूसरे उनके आयाम को उद्घाटन करने की कोशिश की, एक लंबा सा यात्रा संस्मरण भी लिखा उसमें। उनके भी अगर आप वो जो किताब भी आप देखेंगे तो जो स्वामी ने उसका उसमें विश्लेषण किया है इनके चित्रों का, जो कि एक तरह से बनती हुई लिपि की आहट है उनके चित्रों में। पहाड़ी कोरबाओं के पास भाषा है लेकिन लिपि नहीं है। तो जब स्वामी ने उनसे चित्र बनाने को कहा तो उन्होंने जो उसमें गुदा गादी की उसको देख के स्वामी ने ये समझने की कोशिश की कि ये है क्या। तो उन्होंने कहा कि ये लिपि के, एक लिपि के बनने की आहटें हैं इसमें, और क्यों है उसकी विस्तार से चर्चा उन्होंने की। वो हमारे दोस्त लोग आगे बताएंगे आप, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर उनके उनसे जो चित्र और रेखांकन उन्होंने कराए स्वामी ने, वो चाहते तो उनको फिजूल रेखांकन कह के वो फेंक देते, लेकिन अगर सृजनात्मक, अगर एक व्यक्ति की कुछ अभिव्यक्ति हुई है या उसने कुछ सृजन किया है तो उसमें कोई गहन तत्व होगा ही, ऐसा विश्वास रखने वाले स्वामी इसका तिरस्कार नहीं कर सके, ना करना चाहा, और उसको समझने की कोशिश, जिसके परिणाम स्वरूप मैजिकल स्क्रिप्ट किताब। और सुरेश शर्मा इस उनके इस एनालिसिस से बेहद प्रसन्न थे। उनकी मत है कि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और अगर आप ख्याल करें तो संभवतः हम सबके पास जो लिपि है आज, क्योंकि बोली पहले आती है, साउंड पहले आती है, फिर लिपि, लिपि लीपने से, जो लिप धातु है उससे बना लीपना, उसी से अक्षर यानी लिपि भी है, उसी से पेंटिंग भी। तो लिपि के जन्म की, हम सबकी लिपियों के जन्म की भी कहानी एक तरह से बिना कहे स्वामी ने उन छोटी सी पुस्तक में लिखी हुई है। एक ये संदर्भ सुरेश के, और सुरेश से उनकी बहुत गहरी मित्रता रही हमेशा। और जहां जब म्यूजियम ऑफ मैन में स्वामी वाइस चेयरमैन थे, शायद चेयरमैन थे तब सुरेश उसके जो उसकी जो एडवाइजरी कमेटी थी उसकी बहुत उसमें थे, और इन लोगों ने एक अंतरराष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन किया था भोपाल में, इसमें सुरेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सुरेश की थी, क्योंकि सुरेश बहुत बड़े अध्येता थे। और वो सम्मेलन जब भोपाल में ये मानव संग्रहालय में हुआ, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, उसमें हुआ, तो सुरेश और स्वामी से ज्यादा खुश कोई नहीं था। और तरह तरह की अभिव्यक्तियां दुनिया भर के जो आदिवासी थे समाजों की वो थी, और उनमें देखना कंटिन्यूअम, उनमें निरंतरता देखने का वो हुआ था, ये बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन हमारी जैसी आदत है हिंदी प्रदेश की, हम अपनी श्रेष्ठ घटनाओं को अगले दिन भुला देते। ये बहुत बड़ी घटना थी जो भोपाल में हुई थी, दुनिया भर के आदिवासी समुदाय से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे।
ये सुरेश के साथ स्वामी ने संयोजित की थी। और अंतिम बात में बता दूं कि वो बोलेंगे कैसे स्वामी हिंदी में, इसका इसके लिए वो एंशियस थे। मैं बैठा था वहां, तो 3 घंटे बाद ये तय हुआ कि शुरुआत प्रिय बंधु बांधवियों इससे होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के आदिवासियों को वो अपने बंधु बांधवी की तरह संबोधित करना चाहते। ये भाषा के चयन का प्रश्न नहीं था, अंतश्चेतना की चयन का प्रश्न था, ये ज्यादा गहरा प्रश्न जो उन्होंने फिर किया भी। बहरहाल ये कहानी है उसकी। बिल्कुल, और जिस पुस्तक की आप चर्चा कर रहे हैं, द मैजिकल स्क्रिप्ट की, वह पुस्तक तो स्वामी जी के ही समय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आ गई थी, 1983 में भारत भवन की ओर से ही। और मित्रों, आप लोग जानते ही हैं कि जे स्वामीनाथन जी ने 1987 में द परसीविंग फिंगर्स नाम से भी पुस्तक लिखी, जो भारत भवन से ही 1987 में प्रकाशित हुई। तो इसका अनुवाद भी उदयन वाजपेयी जी के संपादन में चल रही पत्रिका समास में इसका हिंदी अनुवाद है वह प्रकाशित हुआ, जिसका अनुवाद अखिलेश जी ने किया है, कल वे हमारे साथ बनेंगे। तो मैं यहाँ पर बस एक संदर्भ के अंतर्गत समास के उन अंकों को दिखलाना चाहता हूँ जिनमें द परसीविंग फिंगर्स के अनुवाद आप चाहें तो पढ़ सकते हैं समास के इन अंकों में। ये कुछ वे अंक हैं, बुझती उंगलियां नाम से इसका अनुवाद अखिलेश जी ने किया। तो और चलते चलते एक और संदर्भ यहाँ पर, शैल माया राम जी अपने एक आलेख में लिखती हैं, जब जिसकी चर्चा उदयन जी कर रहे थे कि सुरेश शर्मा जी के निधन पर जो श्रद्धांजलि देते हुए एक आलेख शैल माया राम लिखती हैं, उसमें इन दोनों पुस्तकों की वे चर्चा करती हैं, जय स्वामीनाथन की और उस इंटरव्यू की भी बीच में चर्चा आती है उदयन जी और सुरेश शर्मा जी की उस बातचीत की भी चर्चा आती है। यहाँ पे शैल माया राम लिखती हैं कि जय स्वामीनाथन की पुस्तकें द मैजिकल स्क्रिप्ट और द परसीविंग फिंगर्स प्रकाशित हुई भारत भवन से, और सुरेश स्वामी के इस दृष्टिकोण के प्रति अपने ऋण को स्वीकार करते हैं कि आदिवासी कला हमारे बीच और हमारे साथ मौजूद है और समकालीन अभिव्यक्तियों में से एक हो सकती है हमारे समय का। तो जिसकी बात अपने वक्तव्य में बहुत ही पुरजोर तरीके से उदयन जी ने रखा। और एक और बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य उदयन जी का था आज के इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं उस आलेख को पढ़ रहा था। दरअसल वह आलेख नहीं है, स्पीक मैके का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वर्ष 1998 में, 1998 में, वहां पर उदयन जी ने वह वक्तव्य दिया था। अब बाद में उनका यह वक्तव्य थाती के नवंबर 2001 अंक में प्रकाशित हुआ। यहाँ भी कई ऐसी बातें उदयन जी बतलाते हैं जो बेहद उल्लेखनीय है और बार बार उन्हें पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर उदयन जी आप गुरु ग्रंथ साहिब को भी कोट करते हैं और वहीं से आप अपने वक्तव्य का टाइटल भी लेते हैं, विसमाधु रूप विसमाधु रंग जगदीश स्वामीनाथन की चित्रकला। तो यह जो गुरु ग्रंथ साहिब का कहना है यहाँ आप उसको उद्धृत करते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, थोड़ा सा हिस्सा है। विसमाधु नाद विसमाधु वेद विसमाधु जीय विसमाधु भेद विसमाधु रूप विसमाधु रंग। और फिर आप लिखते हैं, कहते हैं, यह अकथ कहानी है, एक ऐसी पहेली जिसका एहसास हर एक के पास है लेकिन अंतिम हल किसी के पास नहीं। अस्तित्व को अबूझ पहेली की तरह बरतने वाले लेखकों कलाकारों ग्रंथों की परंपरा खासी समृद्ध है। योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ, कबीर मीरा अगाली बोरखेज जैसे लेखक, तांत्रिक रेखांकन और इस श्रृंखला के इस छोर पर खड़े स्वामीनाथन
उनके चित्र अपने रूप रंग आकारों में, अपनी लय, अपने अनोखेपन, अपने विस्तारों में, अस्तित्व की इसी पहेली को, अस्तित्व की इसी उलझी हुई गांठ को हमारी आंखों के सामने आने की जगह देते हैं। अस्तित्व अपने अबूझपन के संकेत छोड़ता है, वही जिसे स्वामीनाथन तांत्रिक रेखांकनों में, कभी आदिवासी चित्रों में महसूस करते हैं। शायद इसीलिए वे भारत में एक ऐसी अनोखी कला दीर्घा की कल्पना कर सके जिसमें तथा कथित न आधुनिक और तथा कथित लोक आदिवासी कलाएं एक साथ प्रदर्शित की जा सके। वे आदिवासी लोक कलाओं को महज नृतत्व शास्त्रीय अध्ययन की वस्तु में संकुचित होने से एक हद तक रोक सके, ये बड़ी बात है, जिसकी छटा आज हमने इस वक्तव्य में भी देखी। और यहीं पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे यह भी लगा जब आप कहते हैं कि वे किस तरह से एक बेहद खास अर्थ में भारतीय चित्रकार हैं, इसलिए नहीं कि वे भारत में पैदा होते हैं, बल्कि उनकी दृष्टि लगातार कहीं न कहीं अपने मूल को तलाशने की है, बगैर किसी पश्चिमी सभ्यता या किसी बाहरी सभ्यता से आक्रांत हुए। वह बात आज भी हम यहाँ भी सुन पाए और उस वक्तव्य को पढ़ते हुए, उस आलेख को पढ़ते हुए भी हम उसको महसूस कर सके कि वह किस तरह से बेहद खांटी भारतीय चित्रकार रहे। तो अच्छा लगा, तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं और सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, तो इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद मित्रों कि आप लोग बने रहे इतनी देर तक, और उदयन वाजपेयी जी का हार्दिक आभार कि समय निकालकर एक बेहद सारगर्भित वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित कर सके। और जाते जाते यह भी उन्होंने बतलाया कि किस तरह जो प्रासंगिकता बनी हुई है जय स्वामीनाथन की बतौर कलाकार, बतौर कला चिंतक, यह भी कितनी खास है, हम सभी को यह सोचने पर विवश करती हुई ये बातें हैं। बहुत बहुत आभार उदयन जी, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। और मित्रों, कल जैसा कि उदयन जी ने भी कहा और हमने भी बात की, अखिलेश जी आएंगे और वे कुछ और नई बातें बतलाएंगे, और इस अवसर पर उनके चित्रों को लेकर और कुछ स्वयं स्वामी जी के कुछ और दूसरे जो शख्सियत हैं उनके साथ के जो चित्र हैं उन सब पर चर्चा होगी। शुक्रिया, कल मिलते हैं, शुभ रात्रि। नमस्कार।